नहीं बताते हो आप, जानते हैं मैं वही आप लोगों को तो बात उठानी नहीं ना, आप लोगों को तो मक्खन लगाना है। राजस्थान की कल विधानसभा में आप गए थे क्या विधानसभा में? बलजीत यादव ने राजस्थान की विधानसभा में कल मांग उठाई कि 28,000 सीएच के परिवार दर दर की ठोकर खा के घूम रहे हैं। किसी अखबार में एक लाइन आई है, किसी चैनल ने एक लाइन दिखाई है, किसी भी चैनल ने, और इसको आप व्यक्तिगत आपने ऊपर नहीं लीजिए। आप तो हमारी तरह ही हो, आपके जो मालिक हैं, आपके जो मालिक हैं वो तय करते, आप बना के भी भेजें। तो बिल्कुल इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सीएचए की मौजूदगी है और बलजीत यादव हैं वो सीएचए को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि थोड़े नाराज जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सवाल जब न्यूज 18 राजस्थान से उनसे पूछा कि आखिरकार इतने लंबे समय से आप विधायक हैं, सीएचए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कब कब आपने विधानसभा में मांग उठाई है, तो जाहिर सी बात है कि वे थोड़ा सा आक्रोशित हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने हर बार विधानसभा में इस मांग को नहीं उठाया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि इस बार जो है वो ये कह रहे हैं कि विधानसभा में मैंने आवाज उठाई है लेकिन मीडिया ने दिखाया नहीं है, मीडिया पर सीधे आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि न्यूज 18 राजस्थान सामाजिक सरोकारों से लेकर के आम लोगों की आवाज को हमेशा से उठाता रहा है। सीएचए का मुद्दा सबसे ज्यादा हम लोगों ने जनता तक पहुंचाया, सीएचए की आवाज को सरकार तक पहुंचाया, शायद बलजीत यादव को यह पता नहीं है। और सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, ये लाजमी है किसी नेता का जब वो विफल होते हैं लोगों की आवाज उठाने में, आम आदमी की आवाज उठाने में, और उनसे हम सवाल करते हैं कि आखिरकार आपने इतने दिनों तक आवाज क्यों नहीं उठाई, जब आप समर्थन दे रहे हैं तो सीधे तौर पर सरकार से बात क्यों नहीं हुई, क्यों 90 दिन तक सीएचए लगातार प्रदर्शन करते रहे और आप उनके बीच में कितनी बार पहुंचे? तो लाजमी है उनका आक्रोशित होना, गुस्सा होना, अपनी बात को छिपाने के लिए मीडिया पर दोषारोपण करना, यह सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन सौरभ, हम आपसे दरअसल जानना चाहते हैं और दर्शकों को हम यह बताना चाहते हैं कि राजस्थान के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा सीएचए की आवाज किसी चैनल ने उठाई है, सीएचए की आवाज बनकर के, आम जनता की आवाज बनकर के किसी ने अगर अपनी बात को मुखरता से लोगों तक पहुंचाया है तो वो न्यूज 18 राजस्थान है। और उनके दर्शक जानते हैं इस बात को कि आखिरकार सबसे ज्यादा हमने सीएचए की आवाज उठाई, ना सिर्फ सीएचए की, तमाम बेरोजगारों की, और हर उस आवाज को हमने उठाने का काम किया है जो गरीबों की, किसानों की, दलितों के, मजलूमों की। जी सौरभ, राजस्थान की विधानसभा में मीडिया रहता है? जी बिल्कुल, देखिए आरोप लगाना का विधायकों का, नेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का आरोप लगाने का काम होता है, लेकिन ये कोविड स्वास्थ्य सहायक बैठे हैं, ये चारों, इनकी तस्वीर देखिए और इनको पूछिए कि इनकी बात किसने उठाई है। ये आरोप लगाना इनकी, क्या कहा जा सकता है कि सभी राजनीतिक दलों की आवाज होती है? रवि बताइए, आपकी बात किसने रखी यहाँ पर? भी न्यूज 18 सीएचए की आवाज 1 अप्रैल से लेकर आज तक पूरे पोरजोर से उठाई है, और 1 अप्रैल को जब हम धरने पे बैठे थे तो न्यूज 18 एकमात्र ऐसा चैनल था जिसने 48 घंटे से भी ज्यादा लगातार चलाया था। बलजीत जी यादव भी हमारी बात निरंतर उठा रहे हैं और हमारे धरने के ऊपर निरंतर आ रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं कि अब किस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ेंगे? अभी 6 बजे तक का जो किरोड़ीलाल जी बाबा जी आ रहे हैं वो गए हुए हैं कहीं बात करने के लिए, तो 6 बजे बाबा आएंगे, जो बाबा का निर्देश होगा वो मानेंगे हम विधायक जी से। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सीएचए का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं जयपुर में ही कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर के बेरोजगार बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने हल्ला बोला अपनी मांगों को लेकर के, और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर विधानसभा कूच की कोशिश की। मौके से पुलिस से, बेरोजगारों से धक्का मुक्की भी हुई है। तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर, उपेन यादव भी इस दौरान इनके साथ मौजूद रहे और तमाम बेरोजगारों की आवाज को उठाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि जो कंप्यूटर अनुदेशक हैं उसकी भर्ती को लेकर के लगातार इस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं कि इस भर्ती में शिथिलता दी जाए और साथ ही साथ जो 10,000 से ज्यादा पद हैं उनको भरा जाए, इसी भर्ती में उन्हें खाली नहीं रखा जाए, खासतौर पर टीएसपी, ओबीसी और बाकी जो